रजौरी के सोलकी इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच चल रही मुठभेड़ में अब तक सेना के 2 ऑफिसर सहित 4 जवान शहीद, जबकि 2 आतंकी भी हुए ढेर। आखिरी समाचार मिलने तक इलाके में जारी था सेना का ऑपरेशन। जम्मू को दहलाने की साजिश नाकाम, LOC के पास ड्रोन से फेंके हथियार का जखीरा, सुरक्षा बलों ने किया जब्त। बता दें कि जम्मू के अखनूर के प्लावाला में सेना और जम्मू पुलिस की संयुक्त टीम ने नियंत्रण रेखा के पास हथियारों का जखीरा बरामद किया। डोगरा स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह को कोर्ट से मिली जमानत, कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद सेंट्रल जेल से मिल सकती है रिहाई। जम्मू यूनिवर्सिटी में आज क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड की ओर से नेत्रहीनों के क्रिकेट मैच का किया गया आयोजन। 4 राज्यों की क्रिकेट टीम ले रही भाग। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने कहा, हमें खेल से है लगाव। जम्मू के MS स्टेडियम में खेली जाएगी क्रिकेट की लेजेंड लीग। 27 तारीख से शुरू होंगे दिन रात के मुकाबले। स्टेडियम के बाहर टिकटों की बिक्री शुरू। आज रात 9 बजे से होगी तुलसी माता की पूजा। पंडित महंत रोहित शास्त्री ने बताई पूजा की विस्तृत विधि। श्रीनगर में बिजली संकट के चलते कांग्रेस ने किया सरकार व बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। कहा इलाके में सुचारू हो बिजली की सप्लाई, लोगों को हो रही मौसम में खासा परेशानी। राजस्थान चुनावों में बोले अमित शाह, कहा राजस्थान में अगली सरकार भाजपा की बनेगी, हर क्षेत्र में फैली हुई कांग्रेस। बताते चले कि गुरुवार को राजस्थान में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, ऐसे में भाजपा कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में पूरी ताकत झोंक रहे हैं।